कल्याणपुर के नेतोली परिसर में घरों में घुसकर चोरी करने की घटनाओं से यहां के नागरिक परेशान हो गए हैं। घर का दरवाजा खुला देख अंदर घुसकर कीमती सामान, आभूषण, मोबाइल चुराने की घटना इस परिसर में कई बार घट चुकी है। इसी तरह 25 तारीख की सुबह सवेरे नेतोली स्थित मेट्रो मॉल के सामने एक घर के लोग जब सोए हुए थे, तभी दरवाजा खुला देखकर एक चोर घर के अंदर दाखिल हुआ और अलमारी में रखे सोने के आभूषण लेकर भाग निकला। तभी अचानक घर वालों की नींद खुल गई और जब उन्हें ऐसा लगा कि घर में चोरी हुई है तो दरवाजे में लगे सीसीटीवी की मदद से घर के लोगों ने चोर को पकड़कर कोलसवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया। उन चोरों के पास से पुलिस ने चुराए हुए आभूषण बरामद किए गए। फिरियादी जमीर शेख की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद नदीम और मोहम्मद फारूक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की माने तो उक्त दोनों ही चोर नशे में होने की बात सामने आ रही है और इससे पहले भी नेतोली परिसर में ही नशेड़ी गंजेड़ी युवकों द्वारा चोरी करने की घटनाएं घट चुकी है। आकिब शेख, जी वार्ता, कल्याण। आज सुबह 6:30-7 के दरमियान एक अननोन पर्सन मेरे घर में घुसा। घुसने के बाद हमारे सीसीटीवी कैमरे में उसका फोटो आया और उसने हमारे घर से बैग वगैरह जो कुछ सोने के जेवरात थे वो लेके गया। देखने के बाद मेरा एक छोटा भाई है, वो इनमें से उठा, उसको ऐसा लगा कि कोई घर में आया है। जब तक देखा तो कबाट खुला हुआ था, मोबाइल नहीं था। फिर तो उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो ये अननोन पर्सन हमारे घर से ये सामान लेके जाते हुए दिखा। तो हम लोग ने आजू बाजू उसको ढूंढा। ढूंढने के आधा पौना घंटे के बाद ये मेट्रो मॉल के सामने एक जगह पर बैठा हुआ मिला है। 2 जन इसको कुछ लोगों ने पकड़े। पकड़ने के बाद इसको हम लोग ने कोलसवाड़ी पुलिस चौकी में इसको लेके गए। सोना ही था और मोबाइल था, वो तो मिल गया। ये अदर स्टेट के हैं, अभी एड्रेस तो ये लोग अदर स्टेट का बता रहे, एक गुजरात का बताता है और एक कर्नाटक का बताता है। तो ये दोनों नशेबाज है, इनके पास अच्छी नशे की चीज़ है, इंजेक्शन वगैरह इनके जेब में थी। हाँ, पुलिस ने उसके जेब से सब निकाला है, ये सारी चीज़ें।